रावण के वंश से बताया। देखिए, सनातन धर्म को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। सनातन धर्म को रोज गाली देना ये धर्म निरपेक्षता नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर कोई नेता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, सनातन धर्म को गाली देता है, तो भारत का कैसे हो सकता है? सनातन धर्म के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत भूमि वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, इनका उद्घोष हुआ। यही सनातन है। जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है वही सनातन है। तो सनातन का विरोध करके आप भारत की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। रावण के वंश तक बता दिया है आपने, सनातन को गाली देने वाले कितनी करने वाले। देखिए, एक सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता गाली देते हैं, कभी डीएमके के नेता गाली देते हैं, और वो लोग गाली दे रहे हैं जो मिनिस्टर हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री गाली देते हैं। तो जो नेता संविधान की शपथ लेकर के मिनिस्टर बना है, वो अगर किसी एक धर्म को गाली देता है तो मुझे लगता है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, ये वो देश है जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों को देवी माना गया है। हमारे यहां सूत्र है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो सरकार किसी की भी हो, महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को हक देने का, महिलाओं को अधिकार देने का फैसला संसद ने किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सराहनीय है, इसकी सराहना करनी चाहिए। ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इस बिल से दूर रखा गया है। महिला है हमारे लिए, ओबीसी हो या महिला किसी जाति की हो, महिला किसी धर्म की हो, वो हमारे लिए देवी है और हम देवियों को एक समान मानते हैं। उमा भारती ने भी कहा है कि ओबीसी वर्ग को इसमें बिल में जगह मिलनी चाहिए। मुझे लगता है महिलाओं को इस तरह विभाजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महिला महिला है, आदिशक्ति को आदिशक्ति के रूप में देखना चाहिए। सारी नारियां एक जैसी हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, सबका वंदन करते हैं। और ये जो महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला है, ये ऐतिहासिक है, ये भारत की राजनीति को बदल के रख देगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती, उन्होंने भी कहा है कि उमा जी का जो वक्तव्य है वो उनका अपनी सोच होगी। मेरा वक्तव्य भारत के विराट स्वरूप के पक्ष में है। मैं भारत की समस्त नारियों का वंदन करता हूं, और ये जो महिला आरक्षण का बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, इसका स्वागत करता हूं। क्या कहना है? देखिए, सनातन को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं है। सनातन को गाली देने का नाम धर्म निरपेक्षता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। और जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष हुआ है, यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है? मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। फैशन बन गया गुरुजी, चाहे डीएमके हो या फिर समाजवादी हो, चाहे बिहार के नेता हो, इन्होंने फैशन बन गया एक तरह का सनातन को गाली। ये सब कुछ आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं, ये सब राक्षस लोग हैं जो विचरण करते रहते हैं। सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल पहले भी हुई, सनातन नहीं मिटा। सनातन को मिटाने की कोशिश आज भी हो रही है, सनातन नहीं मिटेगा। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। आने वाले चुनाव में गुरुजी अब यह कर दिया है कि सनातन के पक्ष में और जो सनातन को गाली दे रहा है उनको चुनाव में बहिष्कार। जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसे इस देश की जनता उसका इलाज करेगी, उसे इस देश की जनता जवाब देगी।